हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे ग्लो इफेक्ट के बारे में। फिर से आज ग्लो इफेक्ट मैंने बनाया है, कुछ अलग तरह का ये इफेक्ट है जो हमारे वीडियो में अच्छी तरह से ग्लो ला देगा, एकदम आपका वीडियो है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एलाइट मोशन ऐप की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने जो एलाइट मोशन है वो यहाँ को ओपन कर लेता हूँ। तो यार, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके ही जाना, और वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में जरूर बता देना। और कोई प्रॉब्लम आती है एडिटिंग में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में कहीं भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको एलाइट मोशन हम देखते हैं कि यहाँ पर ओपन हमने कर लिया है। इसके बाद आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 960 सेलेक्ट करना है और जो रेजोल्यूशन है वो 1080 रखना है और जो फ्रेम रेट है वो आपको 30 रखना है। ठीक है, इतना ही रखना क्योंकि हमें HD में करना है, अच्छे फुल HD में, तो इतना ही करना है। ठीक है, इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको अपना प्लस आइकन पर क्लिक करना है और मीडिया पर जाना है। यहाँ से अपने एक वीडियो लेना है, वीडियो आपको कोई भी ले लेना है। तो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था अभी, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो पहले आपको इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा, यदि आपको जहाँ से जितना कट करना है, जैसे मैं इतना वीडियो है तो इसको कट करना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर टैप करूँगा तो यहाँ पर ये है ना, इस साइड ए बना है, इस पर टैप करेंगे तो आगे कट हो जाएगा। और जैसे हमें 15 सेकेंड का रखना है वीडियो, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर ए वाला निशान है, इस पर करेंगे तो पीछे कट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वीडियो पर आपको टैप कर देना है और आगे आ जाना है सब में, और इस पर आपको टैप कर देना है तो ये वीडियो आगे आ जाएगा। ठीक, फिर से इसी पर टैप करना है, मूव एंड ट्रैक पर जाना है और यहाँ पर निशान होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको ऐसा जूम करना है। तो आपको अच्छे से ऐसा स्क्रॉल करोगे इसको तो जूम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने इसमें कर लिया है। तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार का इतना आ चुका है। इसके बाद आपको इसमें कुछ ऐड करना होगा, तो इस वीडियो पर आपको टैप कर देना है और यहाँ पर इफेक्ट मिलेगा तो इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड इफेक्ट मिलेगा तो इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा टील्स, तो TILES आपको सर्च कर लेना है तो आपका टील्स आ जाएगा। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो मिरर होगा इसको इनेबल कर देना है। फिर इस पर क्लिक कर देना तो बैक हो जाएगा। फिर से ऐड इफेक्ट पर जाना है और आपको यहाँ पर एक सर्च करना पड़ेगा, कौन सा, यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा सिंपल स्टार्फेल्ड, तो SIMPLE लिखोगे तो आ जाएगा सिंपल स्टार्फेल्ड। इस पर आपको टैप कर देना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद फिर से इसी पर टैप करना है और आपको यहाँ पर जो क्रीम की है एक की, तो इस पर आपको टैप कर देना है और वीडियो के लास्ट में जाना है। तो फिर डिसेबल हो गया मेरे को लगता है, फिर से तो इस पर टैप कर देना है और वीडियो के लास्ट में जाना है और यहाँ पर आपको इसको स्क्रॉल कर देना है पोजीशन को। तो आपको जो पोजीशन रखनी है वो 3000 रखनी है, 3000 रखनी है। तो मैं इसको जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट व्यू होते जा रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आपको इसमें कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर होने वाला है, तो अपना इसमें इतना हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, तो आपको यहाँ पर नीचे आना तो अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट को आपको 20 कर देना है। ये 25 है तो इसको आपको 20 कर देना। ठीक है, इतना हो जाने के बाद फिर से इसी पे टैप कर देना है तो बैक हो जाओगे। इसके बाद फिर से आपको इसको वीडियो पे आगे ले लेना और एड इफेक्ट पर फिर से जाना। आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा स्विंग, तो SWING लिखोगे ऊपर तो आ जाएगा। तो स्विंग को आपको टैप कर देना और स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना और इस स्विंग को आपको क्या करना है कि इस पर टैप करना और जो फ्रिक्वेंसी होगी इसको आपको कम करना है। तो इसको आपको कितना करना है, 40 कर देना है। तो यहाँ पर मैं 40 कर देता हूँ, तो अपना सेंस 40 हो चुका है। और जो यहाँ पर नीचे वाला एंगल है इसको आपको कम करना है, इसको आपको कितना कम करना है तो इसको आपको रखना है 0, बता देता हूँ रुको, इसको आपको करना है 8। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको 8 कर देता हूँ, तो अपना ये माइनस 8 कर देना है इसको। ठीक है, और नीचे वाले को भी इतना करना है लेकिन वो करना है आपको प्लस में, तो मैं इसको प्लस में 8 कर देता हूँ जल्दी। ध्यान रखना है इसमें आपको इसको प्लस में करना है, तो मैंने इसको इतना इसमें प्लस में इसलिए कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारा जो वीडियो होगा वो मूव होगा, तो ये हमारा इसमें प्लस में इतना हो चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर से इसी पे टैप कर देना, तो ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद आपको फिर से ऐड पे क्लिक करना और आपको एक ऐड करना पड़ेगा सेचुरेशन, तो SA लिखोगे तो सेचुरेशन आपको आ जाएगी, तो इस पर आपको ऊपर ही आ जाएगी। इस पर टैप करना, स्टैंडर्ड सेटिंग क्लिक कर देना। ठीक, फिर से इसी सेचुरेशन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर जो सेचुरेशन है इसको आपको 100% बढ़ा देना है। ठीक है, और जो वाइब्रेंस है तो इसको आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा कर बढ़ा देना है और 2 कर देना है। ठीक है, 2 कर देना है, तो 2 नहीं करना आपको, इसको 150 कर देना है। ठीक है, ज़्यादा मत करना, 150 कर देना है। तो अपना इस्तेमाल हो चुका है और इसके बाद आपको बैक आ जाना है।
यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसके बाद आपको एक XML की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड जैसे आप करोगे तो आपको सेंड कर लेना यहाँ पर। यदि आप डाउनलोड करती नहीं बनती तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, ये वाला वीडियो है, मैं यहाँ पर थंबनेल लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप उसको सेंड करोगे तो हमारी XML यहाँ पर आ जाएगी। तो ये XML होगी, इसमें मेरा नाम लिखा होगा ऊपर, ठीक है, चैनल का नाम लिखा होगा। तो आपको इसको क्या करना है कि इस पर टैप करना और सेलेक्ट एरिया पर क्लिक कर देना, और जो वीडियो वाला होगा इसको डिसलेक्ट कर देना, और फिर से इसी पर टैप करना और कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे ये चारों लेयर होंगे, ये कॉपी हो जाएंगी, फिर बैक कर देना है आपको। तो मैं बैक कर देता हूँ। फिर अब जब वीडियो बना रहे थे फिर से उसी पर जाना है, तो मैं इसी पर जाता हूँ और यहाँ पर इस पर टैप कर देना, ठीक, और पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना। तो हमारे जो होंगे क्या होंगे, ये लेयर जो होंगी पेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारा ग्लो इफेक्ट इसमें आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना, फिर से इसी पर क्लिक कर देना, सेलेक्ट एरिया पर क्लिक करना, वो जो नीचे का वीडियो होगा इसको डिसलेक्ट कर देना और पीछे आ जाना जहाँ तक आपका वीडियो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद इस पर आपको क्लिक कर देना, ए वाले निशान पर। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, तो हमारे जो लेयर हैं वो पूरे में हो चुके हैं, ठीक। तो देखिए हमारा जो वीडियो वो किस तरह से बन चुका है, चेक ग्लो इफेक्ट इसमें आ चुका है। इसके बाद आप ब्लर लगाना है, तो ब्लर के लिए आप जो है इस वाले वीडियो को देख सकते हैं, ब्लर जो है लगते हैं वो कैपकट से लगते हैं, तो आप इस वीडियो को देख लेना और अलग अलग टाइप के ब्लर आप इसमें कैपकट से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना वीडियो बना सकते हैं, और फिर यहाँ पर जाना और यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले वीडियो में।